मम्मा ये किस चीज की तैयारी हो रही है? मैं तो सूप बना रही हूँ। वाओ, मतलब सर्दियों में गर्मा गर्म सूप। तके मार के सर को। वाओ मम्मा, बहुत मजे का है। थैंक यू मम्मा। यू आर वेलकम। प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इब्राहिम और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, आज है मंडे और अभी अभी आई हूँ मैं स्कूल से वापस और मैंने किया अपने कपड़े चेंज और फिर मैं अभी बाहर आ गया हूँ आज का इंट्रो बनाने। तो चले फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी दिन के खाने का टाइम है तो चले मम्मा से पूछते कि अभी दिन के खाने में क्या बन रहा है। मम्मा जी, अभी दिन के खाने में क्या बन रहा है? बेटे चिकन। वाओ, मतलब बड़े मजे का जबरदस्त सा खाना बन रहा है। जी जी, जल्दी करें, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बस बेटे, मैं थोड़ी देर में देती हूँ आपको खाना। ठीक है बिल्ला, अब तुम खाना नहीं खाओगी, यही खाती रहोगी। भाई अभी की शॉपिंग की है तो खत्म तो करनी है ना, लेकिन ऐसा ऐसा ही करूँगी, फिक्र ना करो। क्यों फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग? ये देखिए कितने मजे का चिकन सालन और साथ में रोटी भी आ चुकी है। वैसे हम लोग इसको चिकन कोरमा भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी खुशबू और ये देखने में तो बिल्कुल वैसा लग रहा है। तो चल अब बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत मजे का है, बिल्कुल चिकन कोरमा जैसा ही लग रहा है। थैंक यू मम्मा। यू आर वेलकम बेटी। ये तो बिल्कुल कोरमे की तरह लग रहा है। सारी क्यों खाऊं गई? सारी नहीं, मैं एक और भी खाऊंगा। फ्रेंड्स, दिन का टाइम था, मैं खाना खा के सो गया था तो नाबिया बोर हो रही थी, उसने मुझे उठाया कि चलो भाई बाहर चलिए खेलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है नाबिया चलो। देखिए मुझे कितने प्यार से कितने मजे से उठा रही है। फ्रेंड्स, शाम का टाइम है और मैं किचन में आया तो ये देखिए अनाबिया भी से बैठी हुई, पता नहीं क्या मजे से गाजर खा रही है। मम्मा मेरे ख्याल से कोई नई रेसिपी बना रही है, चले मम्मा से पूछते कि वो क्या बना रही है। फ्रेंड्स, अनाबिया ने तो पिंक कलर के कपड़े भी पहने हुए हैं और साथ में रेड कलर की गाजर भी पकड़ी हुई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रैबिट बैठा हुआ गाजर खा रहा है। मम्मा ये किस चीज की तैयारी हो रही है? बेटे सूप बना रही हूँ। वाओ, मतलब सर्दियों में गर्मा गर्म सूप, फिर तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। जी मैं कौन सा सूप बन रहा है? बेटे हॉट एंड सॉल्ट। वाओ, पहली बार मैंने ये नया नाम सुना है। चाइनीज डिश है। बहुत मजे का है। फ्रेंड्स, ठंड में तो इतना गरम गरम सूप पीने का बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू मम्मा। फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया कुरान पाक और तर्जुमे के साथ पढ़ने का। जैसा कि हम लोगों ने सूरह बकरा शुरू की हुई है तो चले आज हम लोग उसकी नेक्स्ट 3 आयतें शुरू करते हैं पढ़ना। औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला बसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। फ्रेंड्स, इस आयत का तर्जुमा ये है कि बंद लगा दिया है अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए सजा बड़ी है।
नेक्स्ट आयत है कि वमिन अन्नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन। इस आयत का तर्जुमा ये है कि और लोगों में बाज़े ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरी दिन पर, हालांकि वो बिल्कुल ईमान वाले नहीं। फ्रेंड्स, इस आयत के तर्जुमे का मतलब ये बन रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग ईमान ले आए, लेकिन वो सिर्फ ऊपर ऊपर से ईमान लेके आए होते हैं, असल में तो वो कोई ईमान नहीं लाए होते। तो आज की तीसरी आयत है जिसका हम तर्जुमा करेंगे, युखादिउना अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यहदाउना इल्ला अन्फुसहुम वमा यशुरून। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि चालबाजी करते हैं अल्लाह से और उन लोगों से जो ईमान ला चुके हैं और वाकई में किसी के साथ भी चालबाजी नहीं करते बजूस अपनी जात के, और वो इसका शऊर नहीं कर रखते। इसका मतलब ये बन रहा है कि वो लोग चालबाजी कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि असल में वो अपने साथ ही चालबाजी कर रहे होते हैं और उनको इसका शऊर नहीं होता। सदकल्लाहुल अज़ीम। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरा आने वाला हर नया व्लॉग वक्त पर मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।